नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। पंचमी और षष्ठी के पूजन के साथ ही दुर्गा पूजा पंडाल का पट आज श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा, लेकिन गैर कंपनी इलाकों में बिजली की आंख मिचौली के बीच पूजा समितियों को पूजा करने के लिए विवश होना पड़ा। बीते कुछ दिनों से गैर कंपनी इलाकों में बिजली की आंख मिचौली लगातार कायम है। ऐसे में पूजा कमेटियों को बिजली की अतिरिक्त व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वैसे कुछ दिनों पूर्व बिजली विभाग की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि पूजा में बिजली निर्बाध रूप से रहेगी, लेकिन उसके बाद से ही बिजली की समस्या उत्पन्न हो गई। खासकर बिरसा नगर, बागुनहातू, गोविंदपुर, परसुडी आदि इलाकों में यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है। बावजूद पूजा कमेटी सरकार के गाइडलाइन के अंतर्गत पूजा करने की तैयारी पूरी कर ली है। पंडाल पूरी तरह से सजकर तैयार है और पंचमी षष्ठी एक ही दिन होने की वजह से पंडालों में मूर्तियां भी स्थापित कर दी गई। शाम में षष्ठी की पूजा के साथ ही माँ देवी की पट श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा। लगातार 2 वर्ष कोरोना के प्रकोप के कारण महादेवी की पूजा भव्यता से नहीं कर पाने को लेकर पूजा कमेटियों में मायूसी है। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी मोहरदा के अध्यक्ष केवी राव, सचिव सुधीर कुमार सिंह और वास्तु विहार दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष कृष्णा सिंह और सुधीर सिंह का कहना है कि हर वर्ष काफ़ी धूमधाम से और भव्यता के साथ पूजा मनाया जाता था, लेकिन 2 वर्ष से काफ़ी सादगी से कोरोना के गाइडलाइन के साथ मनाना पड़ रहा है। सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से वे पालन करेंगे, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा भोग वितरण के लिए जो नियामक बनाए गए हैं उसका भी पूरी तरह से पालन करते हुए भोग का वितरण किया जाएगा। लेकिन बिजली की समस्या पर भी सरकार और जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि पूजा में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। वहीं न्यू सिद्धगुड़ा दुर्गा पूजा कमेटी के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि कोरोना के मद्देनज़र झारखंड सरकार ने जो निर्देश जारी किया है वह उसका पालन जरूर करेंगे, लेकिन बिहार और बंगाल में जिस तरह से सरकार ने पूजा कमेटियों को आर्थिक सहयोग करते हुए पूजा करने की छूट दी है, यहाँ भी इस तरह का निर्देश सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए था। पूजा को लेकर इतना कठोर नियम बनाना उचित नहीं है। पूजा सरकार का जो गाइडलाइंस दिया गया है उसको नज़र में रखते हुए और अपना गया साल का तजुर्बा जो कोरोना काल में हम लोगों ने भुगते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं, और जो भी है अपने को बचते हुए दूसरे को बचाना है और पूजा भी मनाना है, नियम का पालन करते ही सब कर रहे हैं। और एक समस्या है कि शाम का टाइम अब पूजा का समय में ही पावर कट जा रहा है, ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर सरकार ध्यान करे। कोरोना के बावजूद भी हम लोग पूजा तो मना रहे हैं, लेकिन पूजा को जो हम लोग भव्य रूप देना चाह रहे थे, जो भव्यता लाना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा है। कई लाइटिंग प्रतिबंध है, कई गाइडलाइंस में कई रूल रेगुलेशन ऐसे हैं जो हम भव्यता करने में हमको कुछ कमी आ रही है, कुछ हमको तकलीफ होती है। एक उसमें महत्वपूर्ण है भोग। हम लोग ये पूजा कमेटी शुरू से 2018 से पूजा कमेटी स्थापित है, पूजा यहाँ से मनाई जाती है। 2018 से हम लोग इन जनरल चाहते थे कि माँ का भोग सभी घरों में प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करें, और हम लोगों ने कोरोना से पहले ऐसा करते आया है। कोरोना के बाद प्रतिबंध के कारण और सुरक्षा के दृष्टि से हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, अफसोसजनक है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना गाइडलाइन पालन करते हुए पूजा गाइडलाइन का पालन करते हुए डीसी साहब का जैसा आदेश है ज़्यादा भीड़ नहीं करना है, सारा पूजा विधि विधान से होगा, पर गैदरिंग नहीं करना है, कम कम लोग को सारे पूजा के प्रोग्राम में शामिल करना है, भीड़ नहीं होने देना है, भीड़ नहीं रखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करते हुए पूजा को हम लोग मनाएंगे। आज जो शुरू हुई है कैसे कर रहे हैं आज हमें लोग अभी मूर्ति लेके आए हैं, आज षष्ठी है, शाम से बोधन पूजा होगा और पूजा का शुरू हो जाएगा। प्रशासन और बिजली विभाग की ओर से बिजली निर्बाध सुचारू रूप से देने की बात की, लेकिन कुछ दिन से देख रहे हैं कि प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, बिजली का थोड़ा सा समस्या रह रहा है, लेकिन आशा है कि ठीक हो जाएगा। कोरोना के मद्देनजर रखते हुए पूजा हम लोग बहुत सावधानी से मना रहे हैं और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज षष्ठी, पंचमी और षष्ठी एक ही दिन है, आज से पूजा शुरू हो गया है। आज से पंडाल में लोग आ सकेंगे? आज से लोग पंडाल में आना चालू कर देंगे। क्या क्या समस्या रह जाएगी गाइडलाइन को देखते हुए? समस्या ऐसा कुछ नहीं है, मेन समस्या भोग पे था,
वो भी प्रशासन इस बार क्लियर कर दी है कि भोग बांट सकते हैं, लेकिन बैठा के खिलाना नहीं होगा, घर घर डोर टू डोर पहुंचा दिया जाएगा। तो इस बार भोग का भी प्रबंध हम लोग किए हैं जो हर घर घर जाके पहुंचा दिया जाएगा। बिजली की व्यवस्था कुछ दिक्कत आ रही है? बिजली की दिक्कत बहुत ज्यादा है, बिजली का समस्या है, बहुत लाइन शट डाउन हो रहा है। इसके लिए हम लोग SDO से मिले थे, बोले भी थे, लेकिन देखिए इस पर सरकार क्या करती है। लेकिन हम लोग अपने स्तर से जनरेटर का व्यवस्था किए हैं। मतलब परेशानी रह जाएगी अगर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुई तो? बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुई तो परेशानी बहुत रहेगी। आप दुर्गेश ही आराधना करती है माँ, यहाँ की नौजवानों को, यहाँ की माताओं बहनों को, प्यारे बच्चों को शक्ति प्रदान करे, सभी से शिक्षा रहे और कोरोना को भगाने का शक्ति प्रदान करे, यही हमारी माँ दुर्गा साहबना। कोरोना के चलते थे पूरे हिन्दुस्तान या विशेषकर झारखण्ड राज्य आपको कोरोना का में ज्यादा आपको दबाव प्रशासन और सरकार को है। बगल में बंगाल है, आपको वहां की माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो हर पूजा पंडाल को 50-50 रुपया सहयोग दी है कि आप लोग पूजा करें। बिहार में भी पूजा पंडाल में उतना दबाव नहीं है जितना कि झारखंड राज्य में दबाव है जनताओं को पूजा करने का। 18 वर्ष से नीचे वाले पंडाल के अंदर बच्चे बच्चियां नहीं जाए, ये क्या तूक बनता है। हाँ, कोरोना का ध्यान में रखेंगे, कोरोना को ध्यान में रखते हुए हम लोग दूरी बना करके रहेंगे, मास्क लगा के रहेंगे, पूजा अर्चना में रुक नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा सा सीमा से बाहर यहाँ पर सरकार या प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जाता है जो कि जनता को माताएं बहने की जो पूजा अर्चना करने आवेगी उन लोग को थोड़ा सा बुरा महसूस हो रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।